वेट करते हैं 1-2 मिनट, क्योंकि सभी ज्वाइन नहीं कर पाए अभी भी। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग। कल तक जो हमने पढ़ा था वो सब आपको समझ में आ गया? उसमें कोई क्वेरी है किसी को? नो सर। कोई क्वेरी नहीं है ना? ठीक है, तो उससे आगे हम बढ़ते हैं आज। ठीक है, आज का एग्जाम्पल है सीरीज एंट्री। ये वाला हमने कल कर लिया था ना। ओके, वॉशिंगटन सुडोनम वाला एग्जाम्पल्स हमने खत्म कर लिए थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सीरीज। ठीक है, अब ये दिख रही है ना स्क्रीन सभी को? यस सर। जी सर। यस सर। सीरीज एंट्री जब होती है तो वहां पे ज्यादा कुछ इसमें स्पेशल नहीं है। इसके अंदर दो चेंज आते हैं। एक तो आपको सीरीज की डिटेल अपने एग्जाम्पल में देना होता है और सीरीज की एक एंट्री बनानी होती है। ठीक है, तो ये दो चेंज इसके अंदर रहेंगे, बाकी बिल्कुल सब कुछ सेम रहेगा, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे कितने दो ऑथर है, तो मेन एंट्री कौन से किस नाम से बनेगी? मेन एंट्री किस नाम से? सर ओके, गुड गुड। ठीक है, मैं ये शेयर कर रहा हूँ आपको मेन एंट्री, आप देखिए इसको। अब यहाँ पे जब फिजिकल डिस्क्रिप्शन जो एरिया होता है उसमें लास्ट में डैश लगा के डॉट, तो ये सीएम के लिए है। ठीक है, डैश लगा के आपको ब्रैकेट में कैम्ब्रिज ट्रैक टेन जो भी सीरीज का नाम है वो पूरा आपको लिख देना है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और यहाँ पे ट्रेसिंग में देखिए, एक आएगा सेकेंड ऑथर, फिर टाइटल एंड देन सीरीज, तो सीरीज की भी एक एंट्री इसमें बनेगी। सर, ये क्वेश्चन आप फिर से दिखा सकते हैं? क्वेश्चन देख लीजिए आप एक बार, समझ लीजिए, इसमें जो भी क्वेरी है आप पूछ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर सीरीज का एग्जांपल ही है तो फिर मैं आपसे सॉल्व करवाता हूँ।
सर ये सीरीज थोड़ा सा डिफाइन कीजिए सर, ये कैसे क्या होता है सर? देखिए सीरीज क्या होता है वो बताता हूँ मैं आपको। देखिए बुक्स अलग अलग पब्लिश होती है, ठीक है? यस सर। अलग अलग बुक पब्लिश होती है, लेकिन कुछ बुक होती है जो एक सीरीज में पब्लिश होती है, यानी एक बुक दूसरी बुक से रिलेटेड होती है। कंटेंट रिलेटेड नहीं होता है लेकिन सब्जेक्ट रिलेटेड होता है। जैसे ये जो बुक है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, कैम्ब्रिज टेक्ट इन मैथमेटिक्स, ठीक है? अब ये जो पब्लिशर है, और सीरीज कभी भी एक सीरीज दो पब्लिशर की नहीं होती है, सीरीज एक ही पब्लिशर की होती है, ठीक है? किसी पब्लिशर ने सोचिए कि ये एक सीरीज शुरू की कैम्ब्रिज टेक्ट इन मैथमेटिक्स, तो उन्होंने ये सोचा होगा कि मैथमेटिक्स की जितनी भी बुक हो वो हम ये वाली जो सीरीज है कैम्ब्रिज टेक्ट इन मैथमेटिक्स नाम की जो सीरीज है उसके अंदर वो ऐड करते जाते हैं। अब ये पीछे नाम नंबर जो है वो सीरीज का नंबर है 87, मतलब इस सीरीज के अंदर मैथमेटिक्स की 87 बुक पब्लिश हो चुकी है। सर ऐसा हो सकता है कि उनका जो मेन टाइटल होगा वो सेम होगा और फिर सीरीज टाइटल अलग अलग हो सकता है? टाइटल से भी कोई लेना देना नहीं है, ऑथर से भी कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे केवल एक ही चीज कॉमन होगी वो है पब्लिशर, ठीक है? अलग टाइटल हो सकता है, अलग ऑथर हो सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट सेम होगा। सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स की सीरीज है तो इसमें सभी में मैथमेटिक्स ही होगी, इसके अंदर फिजिक्स की बुक नहीं आएगी इसमें। फॉर एग्जाम्पल की हिंदी साहित्य एकेडमी जैसे है, अब उन्होंने सोचा कि जितने भी हिंदी के राइटर हैं उनको हम एक सीरीज में उनका बायोग्राफीज पब्लिश करें छोटी 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 छोटी, तो वो क्या करते हैं वो एक सीरीज अनाउंस करते हैं जिस सीरीज का नाम होता है हिंदी साहित्य का श्रेणी। सीरीज को हिंदी में क्या बोलते हैं? श्रेणी बोलते हैं, ठीक है? और जितने भी ऑथर की बायोग्राफी छोटी छोटी यानी 50 पेज 40 पेज 60 पेज जितने भी हैं तो उसको वो पब्लिश करते हैं, मोनोग्राफ फॉर्म में पब्लिश करते रहते हैं और उसके नंबर्स वो काउंट होते रहते हैं। ठीक है ना? तो यानी सब्जेक्ट एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे एक और पब्लिशर कितना पब्लिश कर रहा है उसको काउंट करने के लिए जनरली वो सीरीज बनाते हैं। आया या नहीं आया समझ में? सर जैसे किसी बुक की जो वॉल्यूम्स होती है, वॉल्यूम जैसे मैथ की है वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, तो ये भी तो सीरीज में काउंट होगा? नहीं, वॉल्यूम इज डिफरेंट। देखिए वॉल्यूम क्या होता है, सीरीज क्या होता है, दो बुक एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होती है सीरीज में, ठीक है? जैसे ये इसके ये एग्जाम्पल में ये लिखा है एक्सपोनेंशियल डायफोथाइन इक्वेशन, ठीक है? लेकिन जो नेक्स्ट बुक होगी वो हो सकता है एलजेब्रा पे हो। यस सर, समझ गए। सर फॉर एग्जांपल अगर मैथ में एक बुक ट्रिग्नोमेट्री पे दूसरी ज्योमेट्री पे, तो वो एक ही सीरीज में आ सकती है सर? वो पब्लिशर पे डिपेंड आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पब्लिशर पे डिपेंड करता है। वो एक सीरीज में पूरा मैथमेटिक्स का अगर उन्होंने सीरीज बना लिया है तो मैथमेटिक्स का पूरा सीरीज वो मैथमेटिक्स की सारी बुक सीरीज में पब्लिश करेंगे। इसके पब्लिशर एक ही होते हैं? हाँ, पब्लिशर कभी भी एक सीरीज के दो पब्लिशर नहीं होंगे। यस सर, ठीक है, क्योंकि सीरीज जो है ना वो पब्लिशर की ऑथोरिटी होता है, तो एक सीरीज में एक पब्लिशर पब्लिश कर रहा है तो वही सीरीज में दूसरे पब्लिशर पब्लिश नहीं करते। ठीक है, यस सर, आगे सम। हाँ, अब दूसरा आपने जो कहा था वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है कि एक ही बुक के कई सारे पार्ट्स है। एक बुक अगर एक बुक किसी ऑथर ने लिखी है और वो लगभग 200-300 पेजेस में कंप्लीट नहीं हो रही है, और ऑथर ये चाहता है कि नहीं मुझे अपनी जो बुक है उसको 200-300 या 400-500 पेजेस में ही रखना है, लेकिन बुक 1500-2000 पेजेस की हो रही है, तो वो क्या करेंगे कि वो कहेंगे कि नहीं इसको हम मल्टी वॉल्यूम बुक बना देंगे। एक ही बुक के 3 पार्ट होंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, ठीक है? तो वो वॉल्यूम्स होते हैं, वो एक ही ऑथर के होते हैं।
ठीक है, उसके एडिटर हो सकता है अलग अलग, एग्जाम्पल डीडीसी, एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल डीडीसी, जैसे इसमें वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू वॉल्यूम थ्री है, ठीक है, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जिसके वॉल्यूम 36 वॉल्यूम्स हैं, ठीक है, ऐसी कोई भी मल्टी वॉल्यूम बुक आप उसमें ले सकते हैं, तो वो एक बुक होती है, वो एक ऑथर का वो सारा होता है, एक ऑथर का या फिर एक पब्लिशिंग उसका, ठीक है, एक पब्लिशर का भी हो सकता है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे बहुत सारे लोग मिलके वो लिखते हैं, लेकिन वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जैसे इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया हर साल पब्लिश होता है ना, वो दो तीन वॉल्यूम में बुक आती है, दो वॉल्यूम में तो आती है मिनिमम, एक ही बुक है लेकिन वो दो भागों में बटी हुई होती है, ठीक है, तो वॉल्यूम और सीरीज अलग अलग चीजें हैं। आया समझ में या नहीं आया, अगर कोई कंफ्यूजन है तो कहिए, आ गया ना, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो सीरीज का एग्जाम्पल है। अब सीरीज का एग्जाम्पल में सीरीज की जो डिटेल्स होती है वो स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं होती है, वो राउंड ब्रैकेट में होती है, ठीक है, राउंड ब्रैकेट में होती है, और कहाँ पे होती है, फिजिकल डिस्क्रिप्शन एरिया के बाद होती है, तो फिजिकल डिस्क्रिप्शन एरिया के बाद में, फिजिकल डिस्क्रिप्शन एरिया में ही होती है, उसके बाद में आना, ठीक है, और इसमें कोई दूसरा चेंज नहीं है, ठीक है। सेकेंड जो डिफरेंस है वो यहाँ पे एक सीरीज की भी एंट्री बनेगी, ठीक है, आया समझ में, दो चीजें हैं जो यहाँ पे चेंज होती है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सर अब ये सीरीज एंट्री आप दिखा सकते हो सर, क्या जो सीरीज एंट्री है ना सर इसकी, तो वो दिखा सकते हो सर? हाँ दिखाऊंगा ही ना, वो तो मैं पूरा दिखाऊंगा, ये मेन एंट्री दिखा रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद देखिए ये एज यूजुअल ये सब्जेक्ट एंट्री है, ये सेकेंड ऑथर एंट्री है, ठीक है, ये टाइटल एंट्री है, और ये सीरीज एंट्री है, और ये पीछे जो नंबर दिख रहा है ना उसका मतलब है कि वो 87th बुक है इस सीरीज की। सीरीज का नाम तो बस इतना ही होता है, ये जो है ना यही सीरीज का नाम है, और ये जो है वो सीरीज का नंबर है, 87 नंबर है, मतलब ये बुक है इस सीरीज की 87th बुक है। सर हाँ बोलिए। तो सर क्या इस सीरीज एंट्री में भी सीरीज का नाम देकर के और मेन ऑथर का नाम देकर के बाकी रेस्ट इन मेन एंट्री लिख सकते हैं? हाँ, यस 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 डेफिनेटली, जितनी भी ये है तो ये एडेड एंट्री ही, जितनी भी एडेड एंट्री है वहां पे आपको रेस्ट एज इन मेन एंट्री लिखना है, केवल क्रॉस रेफरेंस एंट्री में आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्रॉस रेफरेंस एंट्री में, क्योंकि वो बुक पर्टिकुलर बुक की क्रॉस रेफरेंस एंट्री नहीं होती, वो ऑथर की क्रॉस रेफरेंस एंट्री होती है, ठीक है, तो वहां पे ना एक्सेशन नंबर आएगा ना कॉल नंबर आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। थैंक यू सर। बाकी जितनी भी एडिट एंट्री है वहां पे आप रेस्ट एज इन मेन एंट्री लिखेंगे, इसमें केवल आपको ये जो हेडिंग है ऊपर लीडिंग लाइन के ऊपर का जो एरिया है वही लिखना है, बाकी नीचे आप लिख दीजिए रेस्ट एज इन मेन एंट्री, और कुछ नहीं लिखना। ओके सर, ठीक है, और जब आप इसको आप वहां पे ऐड करेंगे कहाँ पे मार्क में, ठीक है, मार्क में जब आप ऐड करेंगे तो वहां पे सीरीज के लिए अलग से टैग होता है, उसका नंबर उसका मैं आपको बताता हूँ, उसका 440 है सर, दिख रहा है बुक में? हाँ सर, 440, हाँ 440 सीरीज टाइटल एज एडेड एंट्री, 490 है सर, सीरीज स्टेटमेंट 490 होगा ना, सीरीज स्टेटमेंट है 490, यस सर 490, 490 है,
490 है, 490, 440 नहीं है. ओके सर. ठीक है, 440 क्या है वो हम देखते हैं. 440 फोर वाले में तो केवल 490 ही दिखा रहा है. ठीक है, 400 है पर्सनल नेम, 410 है कॉर्पोरेट नेम, 440 ऑब्सोलेट हो चुकी है, वो एंट्री 2008 में ऑब्सोलेट हो चुकी है. 440 तो बुक में दिया हुआ था इसी वजह से. हाँ, वो 2008 में ऑब्सोलेट हो चुकी है, निकल गई है, वो अब 490 पे है. ठीक है, सीरीज स्टेटमेंट के नाम से ही ये सीरीज वाला जो एंट्री है ये लाइब्रेरी में क्या टाइटल के साथ रहेगा? ये इंडेक्स से वैसे जो है ना इसका अलग बनता है, इसका इंडेक्स अलग बनता है, टाइटल के साथ नहीं होता है. वो सीरीज का इंडेक्स अलग होता है. सर किसमें सर? जब कार्ड्स रखे जाते हैं ना जहाँ पे, तो वहां पे मैंने कहा कि अलग अलग तरह के इंडेक्स होते हैं, जैसे ऑथर इंडेक्स होता है, टाइटल इंडेक्स होता है, ठीक है, सब्जेक्ट इंडेक्स होता है, तो सीरीज का एक इंडेक्स अलग ही होता है. ओके ठीक है सर. यही चार इंडेक्स होते हैं ना सर? हाँ सर, यही चार इंडेक्स होते हैं ना? यही, ये चार तो है ही, इसके अलावा देखिए क्या हो सकता है. बस इसके अलावा तो कोई और इंडेक्स नहीं हो सकता. टाइटल, ऑथर, सीरीज, हाँ बस यही है. हाँ यही इंडेक्स है संसार. सर फिर से रिपीट कर दीजिए कौन कौन से इंडेक्स है. ऑथर, टाइटल, ठीक है, ऑथर, टाइटल, सब्जेक्ट है ना, और सीरीज. ओके सर. यस सर. नेक्स्ट एक और सीरीज है, ये आप बनाइए, इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं आप लोग. फाइव मिनट्स लीजिए इसको बनाने के लिए, ठीक है, ज्यादा मत लीजिए टाइम, मेन एंट्री ही बनाना है.
सर हो गया ओ, मेरा माइक म्यूट था, आपने बोला ही नहीं। हाँ नहीं, मैं बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि देखिए यहाँ पे सीरीज एंट्री, ये जो एडिटर के साथ अगर सीरीज एंट्री हो तो उसकी डिटेल एज इट इज यहाँ पे आपको दे देना है, लेकिन जो सीरीज के एडिटर होते हैं उनकी आपको एडिट एंट्री नहीं बनानी है, ठीक है? क्योंकि वो सीरीज के एडिटर है, उनको उनका पर्टिकुलर किसी बुक से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है? और जब सीरीज के जब जब सीरीज एंट्री आप करेंगे, जब सीरीज आप करेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सीरीज का केवल नाम लिखना है, ठीक है? ओके। लेकिन अब कुछ इश्यूज ऐसे हो सकते हैं कि जहां पे कुछ लोग, जो अगर कोई सीरीज किसी एडिटर के नाम से बहुत फेमस है तो हो सकता है कि जो रीडर्स होते हैं वो सीरीज के एडिटर के नाम को भी ढूंढे, तो उस केस को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको क्या करना है, केवल एक क्रॉस रेफरेंस एंट्री बनाना है, ठीक है? यहाँ पे आपको सीरीज के ऑथर की, सीरीज के एडिटर की एंट्री नहीं बनाना है, लेकिन हो सकता है कि कुछ केसेस हों जहाँ पे रीडर्स को सीरीज के एडिटर का नाम पता है केवल, और वो नहीं पता बाकी कुछ भी, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि उनके नाम की एक क्रॉस रेफरेंस एंट्री ऐसे बना सकते हैं, ठीक है? और वो उन्हें कहाँ पे लीड करेगी, वो सीरीज पे लीड करना है उन्हें, कि आप देखिए एटम फॉर पीस सीरीज, उस पीस सीरीज में जितनी भी बुक्स है वो वहां पे उन्हें मिल जाएगी रीडर्स को। हाँ बोलिए। सर, ये जो मेन एंट्री में सैन फ्रांसिस्को पहले लिखा, होर्डन ने बाद में लिखा, ऐसा क्यों सर? कहाँ पे, रुके रुके मैं चेक करता मेन एंट्री में जो है ना पब्लिशर वाला टॉप। हूँ। हाँ तो वे वही आएगा ना, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन पहले आता है ना। हाँ सर, भूल गया। है ना, सही तो है, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन पहले आएगा फिर पब्लिशर आता है। कंफ्यूज सब भूल गया, वही मेरा थोड़ा सा गलत हो गया बस। ओके सर। हो गए, तो ये आपको प्लेस ऑफ पब्लिकेशन लगा क्या? नहीं सर, मेरे से तो सब सेम है कि मैं सब कुछ ख्याल ही भूल गया, तभी मैं गलत कैसे हो गया, बस इतना से थोड़ी डिफरेंस हुआ, बाकी पूरा सही था, तो वही चीज पूछ रहे थे। हाँ नहीं, वो ये प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, तीन चीजें होती है ना उस एरिया में, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिशर एंड ईयर ऑफ पब्लिकेशन। सर वही कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा। हाँ ठीक है ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, ये कंफ्यूजन है ना, मार्क्स भी कटवा देंगे आपके, इसलिए ये चीजें, अब तो ये चीजें बहुत बेसिक हो गई है, अब आपको ध्यान में होना चाहिए सारी चीज, ठीक है?
एसीआर में सबको 35 आउट ऑफ 35 लाना है, ठीक है। आगे ये समझ में, इस एंट्री में किसी में किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है, आप ये है ना एक शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए, लिखते जाइए, जो जो चेंजेस है ना वो लिखते जाइए, कि अगर एडिटर के साथ सीरीज एंट्री है तो एडिटर की आपको क्या क्रॉस रेफरेंस एंट्री बनाना है, क्योंकि वही चीज हम भूल जाते हैं कि हमें यहाँ पे क्या करना है, तो वो याद रहेगा क्रॉस रेफरेंस एंट्री कैसे बनाना होगा। इस क्लास का रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है क्या सर? ये हो रहा होगा, हो रहा है शायद, क्योंकि कुछ फ्रेंड लोग मेरे ऐड नहीं हुए हैं। हाँ नितेश का हो रहा है ना, हो रहा है, हो रहा है, हम अपलोड कर देंगे, कोई इशू नहीं, ठीक है, ठीक है। तो इसमें कोई क्वेरी किसी को? नो क्वेरी? क्वेरी नहीं हो तो बोला कीजिए नो क्वेरी सर, तो फिर मैं आगे चलूं, ठीक है सर? नो क्वेरी। ओके गुड। नेक्स्ट इज मल्टी वॉल्यूम बुक्स, ठीक है। अब ये बुक ऐसी है जहां पे बहुत सारे वॉल्यूम्स हैं, ठीक है। देखिए यहां पे क्या लिखा है, टाइटल लिखा हुआ है, ठीक है, और दो इसके ऑथर हैं, पब्लिकेशन डिटेल एज यूजुअल है, ठीक है, कॉल नंबर, एक्सेशन नंबर, एक्सेशन नंबर दो है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पेजेस दिए हुए हैं कि वॉल्यूम वन में कितने पेजेस है, वॉल्यूम टू में कितने पेजेस है, ओके, और साइज है, और एक नोट लिखा हुआ है दिस द बुक हैज टू वॉल्यूम्स, यानी ये बुक के दो वॉल्यूम्स हैं। मैं इसकी मेन एंट्री आपके साथ शेयर करता हूँ, इसको आप थोड़ा देखिए। टू वॉल्यूम बुक है इसलिए आपको फिजिकल डिस्क्रिप्शन एरिया में सबसे पहले 2V लिखना है। 2V, 2V का मतलब है टू वॉल्यूम्स। अगर किसी बुक में 5 वॉल्यूम्स है तो आपको 5V लिखना है, 6 वॉल्यूम है तो 6V लिखना है, 3 वॉल्यूम है तो 3V लिखना है, ठीक है। और उसके बाद ऑक्सिलरी पेजेस एंड टोटल पेजेस। अब ये टोटल पेजेस हैं वो किसके होंगे, वो टोटल पूरी बुक के होंगे, दोनों वॉल्यूम के मिला के जो पेजेस है वो है 1432, तो वो हमें यहाँ पे लिखना है 1432 पेजेस, ठीक है। और साइज और एक्सेशन नंबर में देखिए, याद रखिए कि हमें दो एक्सेशन नंबर लिखने हैं, ठीक है। दो एक्सेशन नंबर क्यों लिखने हैं? दो वॉल्यूम है इसलिए हम दो एक्सेशन नंबर लिखेंगे, क्योंकि उनका कार्ड हम दो वॉल्यूम के अलग अलग दो कार्ड नहीं बनेंगे, एक ही कार्ड हम बना रहे हैं, इसलिए दोनों एक्सेशन नंबर उसी बुक पे हम लिखेंगे। सर आप क्वेश्चन फिर से लिखा सकते हैं सर प्लीज? हाँ केवल ये इन्फॉर्मेशन और ये इन्फॉर्मेशन, ये दो ही यहाँ पे एडिशनल है, बाकी सब कुछ सेम है। एक्सेशन नंबर में यहाँ पे दो एक्सेशन नंबर है आपके पास, नहीं वो जनरल इन्फॉर्मेशन है, और अगर नोट में नहीं आएगा वो, क्योंकि यहाँ पे हमने फिजिकल डिस्क्रिप्शन एरिया में उसको एड कर दिया, ये 2V, ठीक है। नोट एरिया,
सर नोट अब ये वाली एंट्री हम वॉल्यूम फर्स्ट के लिए एंटरटेन करेंगे या वॉल्यूम सेकंड के लिए सर? नहीं, ये वॉल्यूम बेस्ड एंट्री नहीं है, ये वॉल्यूम बेस्ड एंट्री नहीं है, ये कॉमन एंट्री है, इसलिए दोनों एक्सेशन नंबर देखिए हमने एक ही कार्ड में डाली हुई है। यस सर। ठीक है, अब यहाँ से आगे थोड़ा और आगे सोचेंगे ना कि अगर आपको एग्जाम्पल में ये भी लिखा हुआ है कि वॉल्यूम वन का टाइटल क्या है और वॉल्यूम टू का टाइटल क्या है, तो वो नोट एरिया में चला जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम जो वॉल्यूम एंट्रीज हैं इसके अंदर थोड़े वेरिएशंस हैं जिसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस किसी के माइंड में होंगे वो भी इसमें सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को मेन एंट्री? सर वन मिनट। हाँ देख, आ गया ना? ठीक है, वेरी गुड। ये सब्जेक्ट एंट्री है जो कॉमन रहेगी, ये ऑथर एंट्री, सेकंड ऑथर एंट्री, टाइटल एंट्री। ठीक है, तो एंट्री में यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, उतनी ही एंट्री है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट एग्जांपल देखोगे वहां पे थोड़ा चेंज है। ठीक है, चेंजेस यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम वन का नाम दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे वॉल्यूम वन का नाम दिया हुआ है, लेकिन वॉल्यूम वन का जो मेन टाइटल है वो सेम है, लेकिन जो उसका वॉल्यूम वन का कंटेंट या उसका वॉल्यूम वन का टाइटल है वो अलग है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सेशन नंबर दो दिए हुए हैं, दोनों जो वॉल्यूम्स है दोनों के पेजेस अलग अलग हैं। ठीक है, वहां पे आपने देखा होगा फर्स्ट एग्जांपल में कि फर्स्ट वॉल्यूम के पेज जहां पे खत्म हो रहे हैं सेकेंड वॉल्यूम के पेजेस वहां से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे दोनों वॉल्यूम्स के पेज अलग अलग हैं। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे नोट क्या लिखा हुआ है, द वॉल्यूम इज इन टू वॉल्यूम्स विद द कॉमन टाइटल एन आउटलाइन ऑफ स्टेटिस्टिकल थियरी, जो यहाँ पे है। ठीक है, टाइटल ऑफ वॉल्यूम टू इज स्टेटिस्टिकल इन्फरेंस। ठीक है, वॉल्यूम टू वॉज पब्लिश्ड इन 1987, वॉल्यूम वन जो है वो 1985 में पब्लिश हुआ था, जबकि वॉल्यूम टू है वो 1987 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, दोनों के पब्लिकेशन के बीच में 2 years का डिफरेंस है, ऐसा नहीं है कि वो एक साथ पब्लिश हुई। इसमें जो वेरिएशन आएंगे वो क्या क्या होंगे वो हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहला वेरिएशन जो यहाँ पे टू इयर्स का गैप था, तो वो वहां पे आपको 1985-1987 लिखना है। इसका पब्लिकेशन का वर्क है पूरे वॉल्यूम का, वो 1985 से लेके 1987 तक चला था। ठीक है, अब दोनों वॉल्यूम के ISBN नंबर दिए हुए हैं यहाँ पे, नहीं दिए हुए मैंने कैसे लिखे? ठीक है, मैंने शायद एग्जांपल में मैं लिखना भूल गया हूँ, दोनों वॉल्यूम्स के ISBN नंबर भी है। ठीक है, वॉल्यूम वन का ISBN, अच्छा ये मैंने किसी को लास्ट ईयर एग्जांपल में दिखाया था, यहाँ पे आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा। इस तरह से आएगा, किसी का क्वेश्चन होगा शायद, क्योंकि ये नंबर जो है वो हाइपोथेटिकल है। ठीक है, तो यहाँ पे अब कंटेंट्स में जो है वॉल्यूम वन, ठीक है, वॉल्यूम वन का नाम आ जाएगा और वॉल्यूम
टू का नाम टाइटल आ जाएगा, दोनों वॉल्यूम के टाइटल यहाँ पे आपको कंटेंट या नोट एरिया में आपको लिख देना है। ठीक है, और उसके बाद अगर ISBN नंबर दोनों बुक के दिए हैं तो आपको लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है। सर क्वेश्चन फिर से लिख सकते हैं? हाँ प्लीज सर। ओके सर, थैंक यू। तो ये मेन एंट्री भी देख लीजिए, सब कुछ चीज समझ लीजिए कहाँ पे कौन सी इंफॉर्मेशन आ रही है, जो वेरिएशन है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे टू वी है, दोनों वॉल्यूम्स के पेज नंबर आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में सर, जहाँ पे ये नोट एरिया में हमने लिखा ना सर, ये कंटेंट वॉल्यूम फर्स्ट। हाँ सर, अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन नीचे दूसरी लाइन में चला जाता तो फिर ये वॉल्यूम सेकंड उसी लाइन में हमें लिखना था। हाँ तो दूसरी लाइन में लिखा है ना, यहाँ पे से जो लाइन शुरू हो रही है। हाँ सर, सर अगर सर हाँ। मेरा क्वेश्चन ऐसा है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन जो ऊपर वाली लाइन में लिखा है ना सर, अगर ये इस लाइन में जहाँ पे हमने वॉल्यूम सेकंड लिखा है, हाँ अगर ये नीचे चला आता तो फिर भी हमें इसी लाइन में ये वॉल्यूम सेकंड लिखना था। हाँ देखिए, यानी मुझे समझा नहीं वैसे आपके क्वेश्चन, आप क्या कहना चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आया। अगर देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन नीचे की लाइन में आया तो उसके बाद में तुरंत बाद से हम लोग वॉल्यूम टू लिख के स्टैटिकल अगर अच्छा अगर आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ से ही ये नीचे लाइन में आएगा तब की बात कर रहे हैं। यस सर, तो वो इसके बाद आएगा ना, देखिए यहाँ तो बहुत सारी जगह है, मतलब आप शायद ये कहना चाहते हैं कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे लिखते हैं। यस यस सर, ठीक है, हाँ तो वो इस तरह से ही रहेगा, बस सर यही कंफ्यूजन था थोड़ा सा। हाँ वो वैसे ही रहेगा, अब क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन तक हम यहाँ पे लिख पाए हैं इसलिए हमने वॉल्यूम टू से हमने यहाँ पे लिखा है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे अगर प्रोबेबिलिटी में यहाँ पे लाइन खत्म हो रही तो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आपको लिखना ही होगा, ठीक है, उसके लिए अलग से लाइन नहीं बनेगी। सर इसका कोई कनेक्टिंग सिंबल या ऐसे ही क्या हुआ कनेक्टिंग कॉमन फुल स्टॉप कुछ? एक एक बोलिए सर, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कुछ कामा या फुल स्टॉप या और कुछ लिखना है या ऐसे ही कंटिन्यू करना है? कॉमा कर दीजिए ना, कॉमा कर सकते हैं आप, कॉमा इसमें नहीं है लेकिन कॉमा कर दीजिए, कॉमा कर दीजिए आप, ठीक है, क्योंकि ये वॉल्यूम टू आ गया उसके बाद, या आप कॉमा मत कीजिए, आप डॉट डैश कीजिए, डॉट डैश कीजिए, वही जो इसका कॉमन सिंबल है ना वही यूज कीजिए। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? ये एंट्री में कोई क्वेश्चन है किसी को? नहीं सर। ओके ठीक है, फिर ये सब्जेक्ट एंट्री होगी, सेकेंड ऑथर एंट्री होगी और पर्सनल नेम एंट्री होगी, ठीक है, यानी थर्ड ऑथर की एंट्री हो गई, उसके बाद ये टाइटल एंट्री, ठीक है, इसकी मार्क एंट्री भी है, मैं आपको दिखाता हूं।
ये इसकी मार्क एंट्री, मार्क एंट्री में दो ISBN नंबर, ठीक है, दो ISBN नंबर अगर है तो दोनों के नंबर आपको डालना है, उसके बाद 82 100 फर्स्ट ऑथर के लिए, 245 टाइटल के लिए, ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी 260 क्या होगा, पब्लिशर पब्लिकेशन डिटेल्स, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिशर एंड ईयर ऑफ पब्लिकेशन, यहाँ पे दो ईयर है ना, 1985 और 1987 है, तो आपको सी को रिपीट करना है, उसके बाद फिजिकल डिस्क्रिप्शन, तो फिजिकल डिस्क्रिप्शन जैसा वहां लिखा है वैसे ही यहाँ पे लिखना है। अब जो नोट एरिया है, कंटेंट नोट, ये जो है जनरल नोट में नहीं आएगा, ये कंटेंट नोट में आएगा, ठीक है, फॉर्मेटेड कंटेंट नोट, ठीक है, फॉर्मेटेड कंटेंट नोट। सब्जेक्ट और 700 सेकेंड ऑथर एंड थर्ड ऑथर, केवल ये वाला जो टैग है वही नया इसमें आ रहा है 505। कोई क्वेरी इसमें, ठीक है, ये वाला क्लियर हो गया सबको? सर इसमें डिस्क्रिप्शन में इसको ब्रैकेट में क्यों दिया है, डायरेक्टली क्यों नहीं लिखा? किसमें 300 ये फिजिकल डिस्क्रिप्शन? यस सर, क्योंकि क्योंकि ये दो वॉल्यूम्स की है इसलिए। दो वॉल्यूम्स है ना इसलिए लिखा हुआ, 2V है ये और उसके ब्रैकेट में ये पेजेस हमने वो लिखे हैं, 2V दो वॉल्यूम्स है, दो वॉल्यूम्स कौन कौन से हैं, वॉल्यूम 1 के इतने पेजेस है और वॉल्यूम 2 के इतने पेजेस है। सर वही पूछना था, ब्रैकेट में क्यों? ओके सर, थैंक यू सर। ये वॉल्यूम एंट्री इस तरह से बनेगी, इसमें ज्यादा ये कंटेंट वाला भी मैंने आपको बता दिया, कंटेंट कितना भी लंबा हो वो कंटेंट वाले एरिया में आ जाएगा, ठीक है, और कंटेंट का जो नोट टैग मार्क में है वो है 505। उसके बाद नेक्स्ट है कॉर्पोरेट एंट्रीज, ठीक है, कॉर्पोरेट बॉडीज, ठीक है, अब कॉर्पोरेट बॉडीज वो बॉडी होती है जो किसी यानी एक ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो, ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशंस अगर है तो यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वही पब्लिशर होंगे, ठीक है, और वही ऑथर होते हैं, और जब भी कॉर्पोरेट बॉडीज के एग्जाम्पल आते हैं तो आपकी जो हेडिंग है वो इस तरह से बनती है, ठीक है, अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किस में आता है, india.ministryofdefense, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है तो india.ministryofinformationandbroadcasting, सुप्रीम कोर्ट है तो india.supremecourt, ठीक है, अगर लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा है तो क्या करेंगे, india.parliament.loksabha, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर है तो india.prime minister, CSO है तो india.central statistical organization, CSO, ठीक है, तो यानी आपको हायरार्की का ध्यान रखना होगा ये यहाँ पे थोड़ा,
और ये हायरार्की लिखी हुई होगी, ऐसा नहीं है कि आपको याद रखना है, ये हायरार्की वहां पे लिखी हुई होगी, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो इसके पहले एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, टाइटल है जवाहरलाल नेहरू स्पीचेस 1949 to 1953, और इसको किसने पब्लिश किया है, इसको पब्लिश किया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने। ठीक है, लिखा है, हाँ बुक्स होती है, कुछ नहीं होती है मतलब, लेकिन वो बुक्स अभी कल किसी ने क्वेश्चन किया था ना कि ऐसी बुक हो जहां पे कोई व्यक्ति ऑथर है ही नहीं, ठीक है, जैसे एनसीईआरटी ही है केवल, तो क्या करना है। हाँ वो सारे कॉर्पोरेट बॉडीज में आते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ये बुक लिखी किसने है, लिखी नहीं है क्योंकि ये स्पीचेस है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्पीचेस है जो 1949 से लेके 1953 के दरमियान उन्होंने अलग अलग जगह पे दी थी। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने क्या किया, वो सारी स्पीचेस को कंपाइल किया और उनको एक बुक के फॉर्म में पब्लिश किया। ठीक है, नितेश 1 मिनट। हाँ तो वो जो है वो मिनिस्ट्री के नाम से आएगी बुक। ठीक है, इसकी मेन एंट्री में आपको दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा ज्यादा। हाँ ये एक्चुअली इटैलिक्स में होता है, लेकिन हम जब लिखते हैं तो इटैलिक्स नहीं हो पाता है, इसलिए इसको हम अंडरलाइन में लिख देते हैं। तो जैसे फर्स्ट जो है उसके बाद की जितनी भी एंट्रीज है वो आप अंडरलाइन में करेंगे। सर फिर से एक्सप्लेन करो प्लीज सर। ये वाला एग्जाम्पल या ये सर, ये कार्ड कार्ड थोड़ा सा एक्सप्लेन करो सर। ये वाला देखिए, यहाँ पे जब भी कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी शुरू होती है ना, तो फर्स्ट यानी जो मेन बॉडी होगी उसके अंदर में अंडरलाइन नहीं आएगा, उसके बाद के जितने भी पार्ट्स होंगे वो अंडरलाइन होके आएंगे। ठीक है, जो फर्स्ट वर्ड होगा उसके बगैर सारे अंडरलाइन होगी सर। हाँ उसके बाद के सारे जो होंगे वो अंडरलाइन होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं है क्योंकि ये किसी ने लिखी नहीं है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे डॉट डैश सीधा आएगा और यहाँ पे प्लेस ऑफ पब्लिकेशन एंड पब्लिशर वही आएगा और कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे कॉर्पोरेट बॉडीज में केवल आपको हेडिंग ध्यान में रखने की जरूरत है। सर ये हेडिंग हमें खुद सिलेक्ट करनी होगी। हाँ ये हेडिंग आपको खुद ही बनानी होगी। और कभी कभी ऐसा लगेगा कि कौन सी हेडिंग आएगी, तो जो अगर आपको लग रहा है कि दो हेडिंग है तो दो में से जो मेजर हेडिंग लग रही है ना वो आप ले लीजिए। जैसे यहाँ पे
ये भी हो सकता है कि इंडिया डॉट मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग क्यों नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर भी आ सकते हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की स्पीचेस है, तो आपको वही लेना होगा प्राइम मिनिस्टर। जिस चीज को आप ज्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं कि ये किससे रिलेटेड है, वो टर्म आपको लेना है। और सब्जेक्ट में क्या आएगा, ये स्पीचेस है, किसकी है, नेहरू जवाहरलाल स्पीचेस, ठीक है, और यहाँ पे ऑथर में भी आपको नेहरू जवाहरलाल लेना होगा क्योंकि इन शॉर्ट ये उनकी ही ऑथरशिप का वर्क है, जो स्पीचेस है ये उनकी है और उनकी स्पीचेस के ऑथर वो खुद होंगे। सर टाइटल में क्या मेंशन करेंगे हम? टाइटल में ये जो टाइटल है ना ये आएगा, ये वाला, ये जो टाइटल है वही आएगा, टाइटल ओके सर, का टाइटल है वही आएगा। ये सब्जेक्ट हो गया, ऑथर एंट्री और टाइटल एंट्री, वो यहाँ पे आता है, यहाँ से वो यहीं से आता है, जैसे जवाहरलाल लिखा हुआ है ना यहाँ से शुरू होती सेकंड लाइन, यहाँ पे वही रूल लगेगा जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। हाँ वो तो पूरे को अंडरलाइन करना होगा ना, ये फिर क्या होगा, ये नीचे चला जाएगा, ये जो एरिया है फिर ये नीचे चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपने कुछ और लिख दिया, तो ये नई लाइन से शुरू होगा इस तरह से। सर सब्जेक्ट एंट्री एक बार दिखा दीजिए इसकी। हाँ ये सब्जेक्ट एंट्री है, नेहरू जवाहरलाल स्पीचेस। सर ऐसी कोई दूसरी एग्जांपल दिखा सकते हो सर? हाँ है ना एग्जांपल, अभी हम और बहुत सारे एग्जांपल है इसके, तो ठीक है। अभी ये इसकी मार्क एंट्री है, मार्क एंट्री में आपको यहाँ पे कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। मेन एंट्री, हाँ यहाँ पे जो मेन एंट्री ऑथर है, ठीक है, वहां पे आपको 100 टैग नहीं लेना है, वो आपको 110 टैग लेना है, ठीक है, और ए में आएगा इंडिया और बी में आएगा प्राइम मिनिस्टर। कॉर्पोरेट बॉडीज के लिए कोई भी अगर मेन एंट्री आ रही है तो वो 110 में ही आएगा। इंडिकेटर किसमें? हाँ वन ही आएगा इंडिकेटर में, एक ही इंडिकेटर, वो जो हमने उसमें भी 1 2 3 लिखा है ना, वो सारा 1 2 3 नहीं आएगा, उसमें भी वन ही आएगा, वन आएगा, फोर नेम सरनेम 012 था शायद उसमें, तो हमने सारे, हमारे सारे नेम जो है वो सरनेम से शुरू हो रहे हैं, तो सरनेम के लिए जो है शायद 2 है, तो 2 आएगा उसमें। इंडिकेटर में जितने भी जो 100 वाले जितने भी है उसमें केवल 1 2 3 सारा नहीं आएगा, उसमें भी एक ही आएगा, उसमें भी एक ही कोई आएगा, मतलब 1 आएगा या 1 इज फोर नेम, 2 इज सरनेम एंड 3 इज फैमिली नेम, ऐसा कुछ था। तो अगर 2 इज फैमिली सरनेम तो 2 आएगा, रुके मैं आपको कंफर्म बताता हूँ क्या आएगा उसमें।
उसमें आएगा 1013 था, ठीक है, 04 नेम, 1 सरनेम एंड 3 इज फैमिली नेम। तो कोई नाम अगर फोर नेम से शुरू होता है तो 0 आएगा इंडिकेटर में, अगर सरनेम से शुरू होता है तो 1 आएगा, और फैमिली नेम से शुरू होता है तो 3 आएगा। तो इस केस में जितने भी दूसरे ऑथर मेन एंट्री पर्सनल नेम 110 अगर आप यूज कर रहे हैं 100, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 1 ही लिखना है, ठीक है। वो देखिए, अब इसमें एक्चुअली है क्या कि मैन्युअली आप ये कर ही नहीं सकते, क्योंकि मार्क की एंट्री कंप्यूटर के अंदर होती है, तो मार्क कंप्यूटर के अंदर तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप तीनों इंडिकेटर एक साथ सिलेक्ट कर लें, ठीक है। तो वहां तो एक ही सिलेक्ट होगा, ऑटोमेटिकली हो सकता है वहां पे, ठीक है। अब मैनुअल में तो हम गलतियां कर सकते हैं, अगर आप तीनों लिख देंगे तो वो गलत ही है वैसे, वहां पे आपको 1 लिखना है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुके, मैं इसको शेयर इसका स्टॉप कर रहा हूँ प्रेजेंटेशन, और मैं आपको मार्क दिखाता हूँ सीधा। सर पर्पस क्या होता है इस इंडिकेटर डिजिट का? इंडिकेटर डिजिट का पर्पस ये होता है कि एक नाम को हम कितनी तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। हम नाम को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, हम नाम को इन्वर्टेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और कुछ नेम ऐसे होते हैं जो फैमिली नेम से जाने जाते हैं, द टाटा, द बिरला, अंबानीज, तो वो फैमिली नाम हो गए, ठीक है, रॉयल फैमिली, इस तरह से कुछ होते हैं जो फैमिली नेम होते हैं, ठीक है। तो अगर फैमिली नेम से शुरू हो रहे हैं तो उसका टैग कुछ और होता है, उसका इंडिकेटर कुछ होता है और होता है, तो मतलब वो ये इंडिकेट करता है कि आपने जो नाम है वो किस तरह से आप लिख रहे हो। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये दिख रहा है आपको? यस सर। हाँ तो देखिए ये 100 मेन एंट्री पर्सनल नेम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर 0 इज फॉर फोर नेम, अगर कोई नाम फोर नेम से शुरू हो रहा है तो आपको इंडिकेटर 0 लिखना है, और वो डिपेंड 0 कब लिखना है, जब कोई नाम आप फोर नेम से शुरू कर रहे हैं, 1 कब लिखना है, जब नाम आप सरनेम से शुरू कर रहे हैं, और 3 कब लिखना है, जब नाम आप फैमिली नेम से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारे इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। अब जहां पे भी 1 लिखा है ना, तो समझिए कि सरनेम से नाम शुरू हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो ये जो है वो फैमिली नेम है, ठीक है। और जहां पे 0 है वहां पे 4 नेम से शुरू हो रहा है, देखिए जॉन द बैप्टिस्ट सन, ठीक है। डॉक्टर एक्स, ठीक है, ऑथर ऑफ द डायरी ऑफ अ फिजिशियन, ठीक है। नहीं पता नहीं चल रहा, ऐसा नहीं होता है, आप कैसे लिख रहे हो, ठीक है, बुक आप पे एंट्री कर रहे हो, वहां पे नाम आपको दिया हुआ ही होगा, ठीक है, वहां पे आपको नाम दिया हुआ होगा, आप उसको कैसे लिख रहे हैं, वहां पे जो नाम दिया हुआ उस पर आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। वहां पे अगर दिया हुआ है रॉयल फैमिली ऑफ लंदन, केवल इतना ही लिखा है, तो वो फैमिली नेम हो गया, ठीक है। अब कोई ऐसी बुक है जिसमें लिखी है, जिसके ऑथर में लिखा है मिस्टर श्याम, अब तो श्याम तो सरनेम तो है नहीं, फोर नेम ही है, तो उसको आप केवल श्याम लिखेंगे, क्योंकि सरनेम है ही नहीं तो आप लिखोगे कहां से, तो फिर फोर नेम से आप लिख रहे हो, फोर नेम आप लिख रहे हो, तो फोर नेम में आप क्या इंडिकेटर यूज करोगे, 0 यूज करोगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुंशी प्रेमचंद है ना, लाइव एग्जांपल, मुंशी प्रेमचंद है, तो आप क्या करोगे,
फोर नेम ही हुआ वो। हाँ जीरो, चाहे आप उसको प्रेमचंद कोमा मुंशी लिखिए लेकिन प्रेमचंद सरनेम नहीं बनेगा ना, वो तो है तो फोर नेम ही। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, वैसे ही ये 110 भी वैसे ही होता है। देखिए 110 इज कॉर्पोरेट नेम, देखिए यहाँ पे 1 इज फॉर इन्वर्टेड नेम, 0 इज फॉर इन्वर्टेड नेम, 1 इज फॉर ज्यूरिसडिक्शन नेम। ठीक है, जहां पे किसी ज्यूरिसडिक्शन का नाम है, ज्यूरिसडिक्शन इंडिया इज अ ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, और 2 इज फॉर नेम इन डायरेक्ट ऑर्डर, सीधा सीधा कंपनी का नाम, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख रहे हैं तो हम उसको डायरेक्ट नेम लिखेंगे, ये इसके इंडिकेटर है। सर अभी पहले जस्ट आपने दिखाया था केस जिसमें वो दिया हुआ था 110 वाला, वो वाला फिर से सर दिखा दीजिए जरा पेज। वो वाला पेज दिखाऊं 110 वाला? यस सर। अरे रुकिए, हाँ हाँ सर, इन्वर्टेड नेम क्या होता है सर? इन्वर्टेड नेम जब हम है ना उसके नाम सीधे नाम को रिवर्स कर देते हैं, जैसे रामनाथ सिंह को रामनाथ सिंह है, ठीक है, अगर बुक ऑथर का नाम तो सिंह हम पहले लिख देते हैं फिर कॉमा करके फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम लिखते हैं ना, तो वो इन्वर्टेड नेम होता है। ये डायरेक्ट ऑर्डर का अपोजिट हो गया सर। हाँ डायरेक्ट नेम का ऑपोजिट हो गया, और ये जो डायरेक्ट नेम है टू में, और वन में जो होगा वो ज्यूरिसडिक्शन नेम आएगा। अब ज्यूरिसडिक्शन में देखिए सब फील्ड देखिए, ए इज फॉर ज्यूरिसडिक्शन नेम, तो ज्यूरिसडिक्शन नेम क्या है, द इंडिया है, इंडिया। ठीक है, और सब ऑर्डिनेट यूनिट क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर, तो इंडिया के अंडर में प्राइम मिनिस्टर होता है। ओके, वो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। सर बोला पेज नहीं दिखाया 110 वाला, जरा ये वाला? नहीं नहीं सर, वही जो जो पेज कॉपी बुक दिखा रहे थे ना, और जो उसमें पूरा डिटेल बता रहे थे वो 110 तो दिखा रहा था मैं, उधर देखना था, मुझे लगा कि आपको इधर देखना है 110। नहीं नहीं सर, उधर वाले में देखना था, उधर तो मैं वो 110 ही तो दिखा रहा था। तो वो वाला पेज अभी तरफ हटा दिया सर, थोड़ा सा मेरे को लेना करना था, उसमें पूरे कॉर्पोरेट सब कर था ना, 1100 110 और क्या क्या था, ये वाला है। अच्छा, इसके पीछे वाला पेज है, ये वाले पेज की बात कर रहे हैं आप? यस सर, यस सर, यस सर। तो पर्सनल नेम में देखिए यहाँ पे कौन कौन सी एंट्री होती है, यहाँ पे मेन एंट्री पर्सनल नेम है, मेन एंट्री कॉर्पोरेट नेम है, मेन एंट्री मीटिंग नेम है, मीटिंग नेम भी आएगा। ठीक है, मीटिंग नेम भी हमारे एग्जांपल्स में आएगा बाद में। ठीक है, और मेन एंट्री यूनिफॉर्म टाइटल है। yes, sir. So, ये यूनिफॉर्म टाइटल क्या होता है? यूनिफॉर्म टाइटल वो टाइटल होता है जो बहुत सारे बुक्स के अंदर एक कॉमन टाइटल होगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको एग्जांपल में बताता हूँ। ये जो सारे एग्जांपल्स है ना, ये यूनिफॉर्म टाइटल्स के हैं। ये सारे यूनिफॉर्म टाइटल्स हैं। तो बाइबल किसी भी नाम से थोड़ा चेंज
स्पेस नाम करके दिया हुआ हो, लेकिन उसका मेन जो नाम है वो बाइबल ही है, तो बाइबल जो है वो यूनिफॉर्म टाइटल होगा। ठीक है, हो सकता है कि उसके टाइटल में कोई चेंज हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बुक अगर है, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी था ना, देखिए देखिए यहाँ पे वेदास को देखिए, यहाँ पे क्या किया हुआ है, यूनिफॉर्म टाइटल है। अब उसका जो पार्ट जो बुक थी उसका नाम था ऋग्वेदा, लेकिन उसका यूनिफॉर्म टाइटल क्या होगा, वो होगा वेदा। ठीक है, बाइबल में भी देखिए, यहाँ पे बाइबल का देखिए फाइव स्क्रॉल, बुक का नाम है फाइव स्क्रॉल, लेकिन वो पूरा बाइबल बाइबल के ऊपर लिखा हुआ है। जी सर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे 110, हाँ यहाँ पे क्या हम 110 में 1 आएगा, एंड 1 इज ए इज इंडिया ज्यूरिसडिक्शन नेम, और जो बी होगा वो सबऑर्डिनेट यूनिट होगा, तो इंडिया का सबऑर्डिनेट यूनिट क्या है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। फिर उसके बाद 245 टाइटल, ये बाकी सारी चीजें कॉमन है, इसमें कुछ स्पेशल नया नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब इंडिया के साथ साथ वहां पे प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ एक और वहां पे कॉर्पोरेट टाइटल है। ठीक है, और वो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, तो आप उसे भी यहाँ पे 710 में लिखेंगे अदर सेकेंड ऑथर में। सही, 541 में जो था वो क्या, इमीडिएट सोर्स ऑफ इक्वेशन, ये क्या था सर? अच्छा नहीं नहीं ये है ना एक्सेशन नंबर के लिए है, लेकिन ये बिब्लियोग्राफिकल डिटेल का पार्ट नहीं होता, इसको आप मत लिखिए। ठीक है, ये एक किसी ने लास्ट क्लास में लास्ट ईयर किसी ने पूछा था कि अगर हमें इसमें देना ही है, अगर हमें डेटा कन्वर्ट करना है, ठीक है, डेटा माइग्रेट करना है, तो फिर हम एक्सेशन नंबर कहाँ डाल सकते, कौन सा टैग है, तो ये टैग है जहां पे आप एक्सेशन नंबर ऐड कर सकते हैं। Okay, so 541 वो टैग है जहां पे आप एक्सेशन नंबर ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3090 एक्सेशन नंबर है। जी सर। ठीक है, और इसके अंदर ये जो टैग है वो है कौन से नंबर का है, ई है ये। ठीक है, ई इज फॉर एक्सेशन नंबर, और इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे, मैं देखिए इसके अलावा भी जो होल्डिंग पार्ट की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसकी इन्फॉर्मेशन वहां से हमें वहां पे हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर वहां पे आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन डालना है 541 में, तो आप वहां पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ओनर अगर है, या फिर सोर्स ऑफ एक्विजिशन मतलब कहाँ से लिए, कैसे परचेस किए, या आपने उसको गिफ्ट में मिली है, वो सब चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हैं 541 में। छह सौ वाली वो है ना, सब्जेक्ट एंट्री है वो। 600 वाली जो एंट्री है वो सब्जेक्ट एडेड एंट्री है, पर्सनल नेम। ठीक है, रुके मैं आपको थोड़ा मार्क दिखाता हूँ, रुके। सब्जेक्ट में देखिए, सब्जेक्ट जो है ना, हाँ बोलिए सर, सब्जेक्ट एंट्री में नीचे एस वी दे रखा है। हाँ वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो उसके टैग्स है, मैं आपको थोड़ा आज मार्क ज्यादा दिखाता हूँ, रुके, क्योंकि अब ऐसे ऐसे टैग्स यूज होने लग गए हैं जो आपको शायद कंफ्यूज करेंगे। ओके, देखिए
ऑथर कितने, सब्जेक्ट कितने तरह के हो सकते हैं, सब्जेक्ट कितने तरह के हो सकते हैं, सब्जेक्ट एक टर्म भी हो सकता है, ठीक है, मतलब एक सब्जेक्ट जैसे हम सब्जेक्ट को समझते हैं वैसे भी एक सब्जेक्ट हो सकता है, दूसरा सबसे इजी, ठीक है, एक व्यक्ति भी सब्जेक्ट हो सकता है, एक देश भी सब्जेक्ट हो सकता है, हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है, एक मीटिंग जो है कॉन्फ्रेंस या मीटिंग वो भी एक सब्जेक्ट हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी सब्जेक्ट हो सकती है, तो सब्जेक्ट के इन सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टैग्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, तो 600 जो है वो सब्जेक्ट पर्सनल नेम है, जब एक व्यक्ति कोई कोई व्यक्ति एक विषय के रूप में आता है तब आप उसको सब्जेक्ट आइडेंटिटी पर्सनल नेम में इंडेक्स करेंगे, ठीक है, अभी तक हम जो जो एंट्री करते आए हैं सब्जेक्ट की वो है 650 सब्जेक्ट आइडेंटिटी टॉपिकल टर्म, ठीक है, अगर हमें किसी देश को इंडेक्स करना है, ठीक है, सब्जेक्ट एक देश के नाम से आएगा तो आप कहां पे इंडेक्स करेंगे उसे, सब्जेक्ट आइडेंटिटी ज्योग्राफिक नेम, वो क्या होगा 651 पे, ठीक है, इस तरह से सारे अलग अलग सब्जेक्ट आइडेंटिटी है, ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन ये था कि जो एस एंड वी वो क्या था, ठीक है, अब पर्सनल नेम था का था इसलिए हम पर्सनल नेम में जाते हैं पहले, ठीक है, तो पर्सनल नेम में वही इंडिकेटर जो पर्सनल नेम वाला उसमें वो होता है ना, पर्सनल नेम के जो भी टैग और सब टैग होते हैं वही सब टैग और सब टैग यहाँ भी होते हैं, अब यहाँ पे देखिए वी क्या था, वी इज फॉर्म सब डिविजन, ठीक है, फॉर्म सब डिविजन मतलब उस जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का फॉर्म क्या है, जवाहरलाल नेहरू थे तो वो एक विषय है लेकिन विषय किस फॉर्म में है, वो उनके ऊपर क्या कोई फिक्शन है या क्या है, तो वो फॉर्म में आएगा, तो फॉर्म में उनकी क्या थी, स्पीचेस थी, ठीक है, वर्क उनका जो वर्क है उस वर्क का फॉर्म क्या है, वो फिक्शन फिक्शन में था इसलिए हमने डॉलर वी यूज किया और वहां पे हमने स्पीचेस लिखा, ठीक है, इसमें आपके पास जो जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हो, लेकिन जनरली इसको कोई ऐड नहीं करता है, मैक्सिमम यहाँ पे कोई टैग्स यूज होते हैं तो पर्सनल नेम वाला यूज होता है और डेट अगर उनकी है तो डेट यूज होता है और उसके बाद अगर सब्जेक्ट के फॉर्म में है तो ये सारी चीजें यूज हो जाती है, फॉर्म सब डिविजन या जनरल सब डिविजन ये सारा, ठीक है, अगर बायोग्राफी है उनकी तो वो जनरल सब डिविजन में आ जाएगा बायोग्राफी, ठीक है, तो ये बहुत सारे सब टैग्स होते हैं, मार्क इज वेरी 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 बिग कॉन्सेप्ट, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे सब टैग्स है, टैग्स सब टैग्स बहुत सारे हैं, इसको याद करने की जरूरत नहीं है आपको, इसको आप याद मत कीजिए, ठीक है, मत याद कीजिए, उसको याद करने की जरूरत है नहीं है, और अगर एग्जाम में आपको कोई टैग याद नहीं रहता है, कोई सब टैग याद नहीं रहता तो सब टैग को खाली छोड़ दीजिए, आप उसके आगे केवल इंफॉर्मेशन डाल दीजिए, सब टैग का नाम मत डालिए, यानी उसका नंबर मत डालिए जो ये है, ठीक है, और मैक्सिमम याद रहेंगे, कुछ जो ऑड हैं जो बहुत कम यूज में आ रहे हैं वो ही शायद आप भूल जाएं, और जनरली तो मेरा मानना ये है कि आपको एग्जाम में पूरे टैग की फील्ड आपको देनी चाहिए क्योंकि ये सारा कोई याद नहीं रख सकता, ठीक है सर, अगर टैग तो फिर उसको कुछ नंबर तो नहीं कटेंगे, वो डिपेंड करता है, जो देखिए आप गलत लिखेंगे तो भी मार्क्स कटेंगे, यस सर,
ठीक है, तो इससे अच्छा कुछ लिखो ही मत, गलत क्यों लिख रहे हो? तो उसके मार्क्स तो सर नहीं कटेंगे ना? मार्क्स काटना या ना काटना ये डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, ठीक है? अब अगर वो लिबरल है कि ठीक है कि आपने मेन टेक सही लिख दिया, वो समझ जाएंगे कि सब फील्ड्स कितने स्टूडेंट्स याद रखेंगे, तो वो छोड़ भी सकते हैं, नहीं काटेंगे मार्क्स। कि उनका केवल एम, इस एग्जाम का एम ये है कि आप मार्क के बारे में जानिए, इस एग्जाम का एम ये नहीं है कि मार्क के आप सारे सब टेक्स को याद करें, ठीक है? क्योंकि इसमें हजारों सब टेक्स है, यानी सैकड़ों इसमें फील्ड्स है, उन सैकड़ों फील्ड्स के हजारों सब टेक्स है, तो कितना याद रखेगा कोई, ठीक है? और उसको याद रखने का कोई मतलब भी नहीं है। जब आप उस मार्क में एंट्री करेंगे और आपके सामने सारे टैग होंगे, तो आप जो टैग आपको चाहिए वो सिलेक्ट करके उसमें डेटा फिल कर लोगे, ठीक है ना? ठीक है, तो मेरा ये मेरा मानना है। अब एग्जामिनर क्या सोचता है, अब वो तो उसका कुछ कर नहीं सकते, ठीक है? एग्जामिनेशन इज डिफरेंट थिंग, है ना? तो हमें जो करना है वो हमें सीखने के लिए करना है। एग्जामिनेशन में ठीक है काट लेंगे फिर आधा मार्क, और क्या करेंगे, उससे ज्यादा तो नहीं काट पाएंगे ना, ठीक है? ये आ गया समझ में आपको? और मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, मैं 650 के सब टेक्स भी आपको दिखाता हूँ। ये 650 है, इसके सब टेक्स देखिए। अब देखिए, अगर आप फॉर एग्जांपल इंग्लिश लिटरेचर लिख रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर को आपने वो किया, आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर, और उसके अंदर जो बुक है वो फिक्शन की बुक है या पोएट्री की बुक है, तो आपको अगर इसके अंदर एंट्री करना है तो आप इसको कैसे करेंगे? आप टॉपिकल टर्म जो ए है, नहीं ये ज्योग्राफी कहाँ से आ गया, ओके, ट्रॉपिकल टर्म और ज्योग्राफिक टर्म लिखा, ठीक है? तो यहाँ पे ट्रॉपिकल टर्म क्या आएगा, इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है? यहाँ पे आपने इंग्लिश लिटरेचर लिखा, अब उसका फॉर्म है, तो फॉर्म आप कहाँ ढूंढोगे, ये रहा फॉर्म, डॉलर वी में आप क्या लिख दोगे, पोएट्री। तो इंग्लिश, और इसको ये दिखेगा कैसे, ये दिखेगा इंग्लिश लिटरेचर डैश पोएट्री, इस तरह से दिखेगा ये, ठीक है? एनी क्वेरी, यहाँ पे कोई क्वेरी है? नो क्वेरी, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, है ना? चीजें जितना आप उसको जानोगे ना, उतना कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा, लेकिन धीमे धीमे कंफ्यूजन बढ़ेगा और उसके बाद एकदम सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि कंफ्यूजन एक हाइट तक पहुंचने के बाद फिर आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी। कंफ्यूजन इंसान को तब तक ही होता है जब तक उन्हें सब कुछ नहीं पता होता है, सब कुछ पता होने के बाद सारा कंफ्यूजन दूर हो जाता है, ठीक है? अगर आप पूरा मार्क जान जाएंगे, उसका कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, मार्क की जरूरत क्यों है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और मार्क केवल कैटलॉगिंग का फॉर्मेट नहीं है, उसके अंदर इंडेक्सिंग भी आता है। जो हमने अभी 600 के सारे टैग्स देखे वो सारे इंडेक्सिंग टैग्स हैं, ठीक है? वो सारा इंडेक्स होता है डेटा, ऑथोरिटी फाइल बनती है उसकी। सर वो ऑटोमेटिकली इंडेक्स, हाँ देखिए इंडेक्सिंग क्यों होती है, इंडेक्सिंग इसलिए होती है कि आप उसको बार बार एंट्री ना करना पड़े। आप जितनी बुक आई है, ठीक है, आपकी लाइब्रेरी में समझिए कि 25,000 बुक है, 25,000 बुक्स में से 7,000 बुक्स लिटरेचर की है, अब 7,000 बुक्स में से 1,500 बुक इंग्लिश पोएट्री की बुक है, इंग्लिश लिटरेचर की पोएट्री, तो आप उसमें से 1,500 बुक की जब एंट्री की, तो आप हर बार इंग्लिश लिटरेचर पोएट्री लिखेंगे तो बहुत बार ये हो सकता है कि आप या तो स्पेलिंग मिस्टेक कर दें, या कुछ और मिस्टेक कर दें, या स्पेस की मिस्टेक कर दें, हो सकता है ना,
यस सर। तो जब हम कम इसमें इंडेक्स करते हैं डेटा को, तो उसको फर्स्ट टाइम जो सब्जेक्ट हम ऐड करते हैं उसको वो सेव कर लेता है, ठीक है, और उसके बाद जितनी बार नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम हम जब उसी सब विषय की बुक आएगी या उसी लेखक द्वारा लिखी हुई बुक आएगी, तो हम उस हमें उस ऑथर को टाइप नहीं करना है, हमें उस विषय को भी टाइप नहीं करना है, हमें उस विषय को केवल सिलेक्ट कर लेना है। तो उससे फायदा क्या होगा कि आपकी कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी, सारी की सारी बुक आपकी 1200 के 1200 बुक एक ही सब्जेक्ट में इंडेक्स होगी, ठीक है, और वहां पे कुछ गलती भी है तो आपको आप एक ही जगह चेंज करोगे तो सारी 1200 बुकों में सभी में चेंज हो जाएगा वो ऑथर या फिर वो सब्जेक्ट या कुछ और जो भी है, ठीक है। तो ये उसका फायदा होता है, ये वोकेबुलरी कंट्रोल के लिए होता है, ठीक है। आपको बार बार टाइप करने की जरूरत ना हो, अगर बार बार टाइप नहीं करोगे तो आप स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करोगे, कोई और तरह के भी मिस्टेक नहीं करोगे, और जब सर्च किया जाएगा तो वो आराम से सर्च हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ये फॉरेन की वो है, क्या है, कॉर्पोरेट बॉडीज, कॉर्पोरेट बॉडी लेकिन इंडिया की नहीं है वो, कॉर्पोरेट बॉडी अभी मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, ये एग्जांपल देख लीजिए, मैं केवल वही बता रहा हूँ आपको, मुझे लगा अलग है कुछ तो आपको टाइम लगेगा थोड़ा देखने को, ठीक है। तो ये जो है इसको देख के कंफ्यूज मत होइएगा, ये केवल बुक का टाइटल है, ठीक है, यहाँ पे कुछ स्पेशल नहीं है। और ये कॉर्पोरेट बॉडी क्या है, कैलिफोर्निया एनर्जी कमीशन, ठीक है, इसकी मेन एंट्री आप बनाएंगे, चलिए बनाइए, इजी है, इसमें भी कुछ स्पेशल नहीं है, इजी है। फर्स्ट जो एग्जांपल हमने सॉल्व किया था ना वैसा ही है, ठीक है, इसको बनाइए और मुझे बोलिए। सर इसकी तो मेन एंट्री है सर, ये कैलिफोर्निया एनर्जी कमीशन से ही बनेगी ना? यस यस, कैलिफोर्निया, उसके बाद हाँ कैलिफोर्निया, उसके बाद क्या आएगा देख लीजिए आप, एनर्जी लास्ट वाला, हाँ लास्ट वाला चेक कीजिए, Thank you.
सर बन गई है. बन गई. ओके गुड. ठीक है इसका सॉल्यूशन शेयर कर रहा हूं मैं. इसमें कैलिफोर्निया के बाद डॉट लगाना ही होगा ना. हाँ कैलिफोर्निया के बाद डॉट आएगा ही उसमें क्योंकि कैलिफोर्निया क्या है यूएस का एक स्टेट है. ठीक है स्टेट का और एनर्जी कमीशन है वहाँ का. जी तो कैलिफोर्निया मेन यूनिट हो गया यानी जुरिस्डिक्शन हो गया और उसका सब यूनिट हो गया एनर्जी कमीशन. आगे कुछ इसमें स्पेशल नहीं है. इसमें स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगा क्योंकि इसमें कोई भी स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया हुआ है. ठीक है एक चीज आप ध्यान में रखिए कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे केवल ईयर ऑफ पब्लिक प्लेस ऑफ पब्लिकेशन दिया हुआ है. ठीक है पब्लिशर नहीं दिया हुआ तो ये जो है ये पब्लिशर ही होगा. ठीक है तो यहाँ पे आपको पब्लिशर में कैलिफोर्निया एनर्जी कमीशन नहीं लिखना है केवल द कमीशन लिखना है आपको यहाँ पे जैसे आप देख पाएंगे द कमीशन. यस बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी बिल्कुल कॉमन इन्फॉर्मेशन है. और यहाँ पे कितने कार्ड्स बनेंगे. तीन कार्ड्स यहाँ भी बनेंगे. एक सब्जेक्ट का कार्ड बनेगा और एक है टाइटल का कार्ड बनेगा. ठीक है ऑथर का कार्ड यहाँ पे नहीं बनेगा क्योंकि ऑथर यही है कॉर्पोरेट ऑथर जिसे बोलते हैं. ठीक है ये कॉर्पोरेट ऑथर है. ये इसकी सब्जेक्ट एंट्री ये इसकी टाइटल एंट्री और यहाँ पे इसका मार्क एंट्री है. मार्क एंट्री में कॉर्पोरेट नेम में याद रखिएगा कि 1100 नहीं लेना है 110 लेना है. ठीक है सब्जेक्ट एंट्री. सब्जेक्ट एंट्री में 600 नहीं आएगा यहाँ पे केवल 650 ही आएगा क्योंकि 600 हमने कब लिया था जब किसी व्यक्ति को हम सब्जेक्ट के रूप में फॉर्म ऐड करते हैं. तो लास्ट जो एग्जांपल था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्पीचेस थी. ठीक है इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू एक विषय के रूप में भी इंडेक्स किए गए. क्या क्या हुआ क्या कहा सब्जेक्ट एंट्री दिखा दीजिए. यही है ना सब्जेक्ट एंट्री. अच्छा सब्जेक्ट एंट्री. ओके ये सब्जेक्ट एंट्री है. ठीक है अप्लायंस एफिशिएंसी. ठीक है यहाँ पे अगर आपको एक्सेशन नंबर लिखना हो तो आप ये 541 पे लिख सकते हैं. लिख सकते हैं लेकिन नहीं लिखोगे चलेगा क्योंकि वो होल्डिंग डिटेल होता है. होल्डिंग डिटेल इज नॉट पार्ट ऑफ बिब्लियोग्राफिकल डिटेल. ठीक है आपकी बुक में भी देखिए नहीं होगा. आपकी बुक में है 541 टैग दिया हुआ है. नहीं होगा आपकी बुक में भी 541 टैग नहीं होगा. हाँ मत दीजिए ये तो लास्ट ईयर कुछ हाँ लास्ट ईयर कुछ स्टूडेंट ने कहा था कि नहीं सर अगर ऐड करना ही है तो क्या उसमें कोई प्रोविजन है. मैंने कहा है प्रोविजन है तो उसके बाद फिर हमने कुछ एग्जांपल्स में ऐड किए थे वो. ठीक है अब इसकी बनाइए. चलिए एंट्री ये भी इजी है.
हो गया, वेरी गुड। इसकी मेन एंट्री शेयर कर रहा हूं मैं, देखिए। कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ गलतियां आ रही है या आ गया बिल्कुल सही? सही आ रहा है सर? क्वेश्चन एक बार, हाँ क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन ये रहा। ओके सर, मेन एंट्री। सर पब्लिकेशन में प्रिंटेड बाय मैनेजर नहीं लिख सकते? बाय द मैनेजर, क्या बाय वो जो ऊपर लिखा है प्रिंटेड बाय द मैनेजर, यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते? ये प्रिंटेड बाय है, देखिए प्रिंटेड बाय हमको नहीं लिखना है, ठीक है? यहाँ पे हमें पब्लिशर लिखना है, द मैनेजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस, ठीक है? हमें पब्लिशर लिखना है, प्रिंटर वो नहीं लिखना है, तो प्रिंटर प्रिंट किसने किया, इसलिए हम केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस ही लिखेंगे, द मैनेजर गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस। बाकी तो सब इजी है। आपको यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है ना वो ये है, अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर ली ना, और यहाँ पे थोड़ी बहुत कहीं मिस्टेक हो भी गई तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ये अगर आपने सही कर लिया तो समझिए कि 7 मार्क्स का है ये, तो 7 मार्क्स में से 4 मार्क्स होते हैं ACR के लिए और 3 मार्क्स शायद मार्क के लिए होते हैं, तो 4 में से कम 3 मार्क्स तो मिलेंगे ही। इसमें नहीं, वो फिर गलत हो जाएगा। प्लानिंग कमीशन कौन से देश का? प्लानिंग कमीशन इंडिया में भी हो सकता है, प्लानिंग कमीशन बांग्लादेश में भी हो सकता है, यूके में भी हो सकता है, यूएसए में भी हो सकता है, ठीक है? प्लानिंग कमीशन मतलब केवल इंडिया का होगा ये जरूरी नहीं है ना, इसलिए उसकी जो ज्यूरिसडिक्शन है वो लिखना जरूरी है। ये सब्जेक्ट एंट्री और ये है टाइटल एंट्री, बाकी इसमें कुछ इतना खास नहीं है, बहुत छोटी छोटी एंट्रीज बनती है, 3-3, 4-4 कार्ड भी, किसी में 4 कार्ड बन जाए तो ठीक है, अदरवाइज 3-3 कार्ड ही बन रहे हैं इसमें, केवल आपको जो हेडिंग है वो सही लिखना है, वो सही आइडेंटिफाई करना है। ये थोड़ा सा अलग है, अलग नहीं है, थोड़ा एक एक्सटेंडेड है, ठीक है? इसको सॉल्व करके देखिए, लास्ट एग्जांपल हमारा, ये सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
केवल एक चेंज यहाँ पे होगा, जस्ट सी कि आपने वो किया है या नहीं किया। यहाँ पे मिनिस्ट्री के साथ साथ यहाँ पे डिपार्टमेंट भी है, ठीक है, डिपार्टमेंट भी आपको लिखना है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटिस्टिक्स। बाकी सब कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें अलग नहीं है, बाकी सारी चीजें कॉमन है। सर पहले मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग ही लिखना है, पहले डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटिस्टिक्स लिख सकते हैं। नहीं, रीजन क्या है कि सबसे बड़ा यूनिट क्या है, देश है, ठीक है, देश के अंदर में मिनिस्ट्री है और मिनिस्ट्री में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो ये हायरार्किकल लेवल में चलेगा। डिपार्टमेंट के अंदर में मिनिस्ट्री नहीं है, मिनिस्ट्री के अंदर में वो डिपार्टमेंट है। हाँ, मुझे लगा था इसमें जो चेंज है वही होगा, बाकी तो इसमें ठीक है, इतना कुछ स्पेशल नहीं है। मेन चीज है कि एग्जाम में आप एक मैनेजर के बाद कोमा क्यों लगा है सर? क्या गवर्नमेंट ऑफ मैनेजर कोमा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस। हाँ, क्योंकि इन्वर्टेड है ना, मैनेजर के बाद कोमा ही आएगा ना, मैनेजर गवर्नमेंट तो नहीं आएगा ना, इसलिए कोमा लगाया। पिछले एग्जाम्पल में था कोमा। हाँ होगा ही, अगर नहीं होगा तो वहां पे मेरे से गलती हुई होगी, है ना, देखिए है ना, यहाँ भी है। मैं देखा ही नहीं। मैनेजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे नहीं होगा, मैनेजर के बाद कॉमा आएगा ही आएगा। एप्लीकेशन लिखते हैं ना हम, जैसे टू द प्रिंसिपल, फिर कॉमा लगाते हैं, फिर इंस्टीट्यूशन का नाम लिखते हैं, वैसे ही ये है, मैनेजर के बाद कॉमा आएगा, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस। ओके सर, ठीक है, उसके बाद ये सब्जेक्ट एंट्री और ये टाइटल एंट्री। ओके, तो आज का हम ये यहीं पर फिनिश करते हैं, ठीक है, कल और कुछ कॉर्पोरेट बॉडीज है, ठीक है, अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो ये ले लीजिए, आप इसको सॉल्व करके लाइएगा, ठीक है। सर अब इसमें डिपार्टमेंट लगा के फिर बैकवर्ड क्लास नहीं दे रखा, क्या हुआ सर? इस एग्जांपल में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के बाद बैकवर्ड क्लास विंग लगा रखा है, तो क्या हम सीरियल ऐसे क्लियर लिख लेंगे? हाँ लिखना है, क्योंकि ये सोशल जो ये विंग है ना, ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की है। जी और नीचे सर ये बैक ऑफ द टाइटल पेज अगर प्रिंटेड ऑफ गवर्नमेंट प्रिंटेड प्रेस और लाइब्रेरी हैज ऑल द वॉल्यूम्स इन सी सब, ये तो है, ये नोट एरिया है, देखिए ये जो है ना ये नोट में आएगा, ये नोट एरिया में आएगा, और ये यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन देख रहा है, ठीक है। अब यहाँ से आपको ये नहीं पता चल रहा है ना कि कौन सी गवर्नमेंट का है,
ठीक है। और यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन क्या कह रहा है आपको, प्रिंटेड एट गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस बॉम्बे, गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस बॉम्बे में अगर पब्लिश हो रहा है तो वो डॉक्यूमेंट कौन सी गवर्नमेंट का हुआ, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का हुआ ना, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। यस सर। हाँ, तो वही यहाँ पे बता रहा है एज सर्टेन्ड एज गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। तो आप यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिसिंग है ना कि कौन सी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ न्यू दिल्ली है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश है, तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है। ठीक है, तो इसको आप कल कीजिए, लगभग तो मैंने सब कुछ इसमें बता दिया आपको, जो हेडिंग मेन होता है वही। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, ये 24 वाला हम कल सॉल्व करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। यस सर। ओके, तो कोई क्वेरी है तो आप अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है ना एक बार आप रिवाइज कर लीजिए उसको थोड़ा, और कुछ भी कहीं भी कंफ्यूजन आता है तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, अगली शायद 3-4 क्लासेस और हम ले पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो शायद सितंबर का फर्स्ट वीक लास्ट होगा, तो जितनी भी क्वेरी आ रही है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे आप पूछते जाइए। और क्वेश्चन पूछोगे कब, जब आपको क्वेरी होगी, और क्वेरी कब होगी, जब आप उसको रिवाइज करोगे, उसको पढ़ोगे, पढ़ोगे नहीं तब तक आपको कोई क्वेरी नहीं होगी। तो आप उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, पढ़िए, ठीक है, कोई भी क्वेरी आ रही है तो आप पूछिए। ओके, तभी मैं उसका ACR2 में अभी तक ये जो स्लाइड थी, मेरे पास 220 स्लाइड्स हैं, ये 170 स्लाइड्स हो गई है, यानी 50 स्लाइड समथिंग और बाकी है, और 50 स्लाइड समथिंग और बाकी है, तो लगभग समझिए 10-15 एग्जांपल और बाकी होंगे। ठीक है, 10-15 एग्जांपल अगर और बाकी है तो हम एक दिन में अगर 5 एग्जांपल कर रहे हैं तो 2-3 क्लास में हो जाएगा, 5 या 5 से ज्यादा ही कर रहे हैं हम एग्जांपल का। ठीक है, एक दिन में अगर हम हाँ डिफिकल्ट, मैंने कहा ना डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा। अब इस लेवल पे अगर कोई पूछेगा कि सर ये प्लेस ऑफ पब्लिकेशन और पब्लिशर के बीच में कॉलन क्यों आता है, तो फिर उसका आंसर कैसे दूंगा मैं। ठीक है, इसीलिए जो ये सिखाया जाता है ना वैसे ही सिखाया जाता है, बिल्कुल इजी से धीमे 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 डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाता है। ठीक है, अब आपको वन ऑथर ये सब तो बहुत ईजी लगता होगा, आप यहाँ पूरे ACR में प्रॉब्लम क्या है पता है, हेडिंग आइडेंटिफाई करना ही प्रॉब्लम है, बाकी तो आपको सारे पंक्चुएशन मार्क्स याद हो गए होंगे कि कहाँ पे कौन सा पंक्चुएशन मार्क आएगा, कहाँ डॉट आएगा, कहाँ डैश आएगा, कहाँ कोलन आएगा, कहाँ सेमी कोलन आएगा, सब कुछ आपको याद होगा। केवल प्रॉब्लम केवल कहाँ होगी, प्रॉब्लम होगी हेडिंग में, वो हेडिंग आपको यहाँ तो आपको इजी लग रहा होगा क्योंकि मैं बताता जा रहा हूँ कि ये कॉर्पोरेट बॉडी है, लेकिन जब एग्जाम में आएगा ना तो वहां पे लिखा हुआ नहीं होता है कि ये कॉर्पोरेट बॉडी है, वहां पे आपको आइडेंटिफाई करना होता है ये कौन सी कैटेगरी में लाई करता है एग्जाम्पल। ठीक है, तो कैटेगराइज किया हुआ तो इजी लगेगा, लेकिन अनकैटेगराइज एग्जाम्पल्स होंगे ना तो उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको टाइम भी ज्यादा चाहिए क्योंकि आपको DDC भी करना होगा, है ना, और DDC करोगे तो DDC में बहुत टाइम जाता है सर्च करने में, ACR से भी कभी कभी ACR से ज्यादा टाइम DDC में चला जाता है, जबकि DDC में इतना लिखना नहीं होता है, केवल आपको एनालिसिस करके नंबर ही लिखना होता है, ACR में तो बहुत लिखना होता है, 4-4, 5-5 कार्ड बनाओ, फिर मार्क के सारे टैग्स लिखो, बहुत सारा लिखना होता है, लेकिन फिर भी ACR जल्दी खत्म हो जाता है। तो एग्जाम जब आप दोगे तो एग्जाम में आपको जो आता है पहले वो आप कीजिए। ठीक है, कोई DDC का एग्जाम्पल है, डिफिकल्ट है, नहीं मिल रहा है, तो ऐसा नहीं कि आधा घंटा उसी में डाल दिया। ठीक है, वैसे नहीं करना है आपको, ACR में ज्यादा होल्ड है तो आप पहले ACR कीजिए। ठीक है, और DDC में भी जो एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि इजी है उसको आप पहले कीजिए। ठीक है, इस तरह से करोगे आप तो मैक्सिमम पोर्शन जो पेपर का है वो आप कवर कर लोगे। सर, इसको एग्जाम में कुछ सिंपल तरीका नहीं है, जैसे अभी तो आप हम लोग कैटेगराइज करके बता दे रहे हैं, तो एग्जाम में कैटेगराइज तो होगा नहीं, तो उसको पहचानने का कोई सिंपल तरीका? सिंपल तरीका वही है कि आप इनको पहचान जाओ, किसी को पहचानने का सिंपल तरीका ये है कि आप उनको पहचानो अच्छे से। ठीक है,
आपको यह पता होना चाहिए कि ऑथर क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि एडिटर क्या है, ठीक है। नहीं तो पता चला कि दो ऑथर और दो एडिटर के नाम लिखे हुए हैं और आपने उसको फोर ऑथर काउंट करके टाइटल से एंट्री बना दी, तो आपका गलत हो जाएगा। यस सर, वो तो है, ठीक है। यस सर, हाँ, तो इस तरह से ही आपको पता होना चाहिए कॉर्पोरेट बॉडीज क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस होता है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसी भी डिपार्टमेंट का नाम है, किसी भी मिनिस्ट्री का नाम है, पार्लियामेंट का नाम है, तो समझिए कि कॉर्पोरेट बॉडी का नाम आएगा, ठीक है। अभी तो कॉन्फ्रेंसेस के भी एग्जाम्पल आना बाकी है, रिलीजियस डॉक्यूमेंट के एग्जाम्पल आना बाकी है, जर्नल के भी एग्जाम्पल आएंगे, कम से कम 3-4 तरह के एग्जाम्पल और बाकी है। अगले 10 एग्जाम्पल जो है, 10-15 एग्जाम्पल, उसमें लगभग 3-4 तरह के एग्जाम्पल्स, ठीक है। जो रिलीजियस डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, तो वहां तो आप बोलोगे सर इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ठीक है। अब ओल्ड टेस्टामेंट है, तो ओल्ड टेस्टामेंट को लिखने का तरीका कुछ और होता है, उसको लिखना पड़ता है बाइबल, फिर ओल्ड टेस्टामेंट, उस तरह से। भगवत गीता आया तो भगवत गीता को आप डायरेक्टली भगवत गीता नहीं लिखोगे, आप वो शुरू होता है महाभारत से, महाभारत, महाभारत का पार्ट है भगवत गीता, इस तरह से, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ता रहेगा, आपको आइडेंटिफाई लेकिन करना होगा। आप है वो लिख लीजिए, कैटेगरीज लिख लीजिए, कितनी कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स की हमने एंट्री बनाई है, ठीक है। पहले लिखिए 1 author, 2 author, 3 author, ठीक है। उसके बाद लिखिए कि शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ पे ऑथर और इलिस्ट्रेटर है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ पे ऑथर और एडिटर है, फिर मोर देन 3 author, फिर एडिटर एंट्री, ठीक है, सीरीज एंट्री, मल्टी वॉल्यूम एंट्री, ठीक है, कॉर्पोरेट बॉडी। तो वहां पे फिर आप लास्ट टाइम पे जब आप पढ़ेंगे ना, और उसके सामने उसकी कंडीशंस लिख दीजिए कि कॉर्पोरेट बॉडी है तो वहां पे आपको हेडिंग किस तरह से बनानी है, ठीक है। मोर देन 3 author है तो कैसे आपको हेडिंग बनानी है, हेडिंग कहाँ से आएगी, एडिटर से एंट्री है तो टाइटल से एंट्री बनेगी, मोर देन 3 author है तो भी टाइटल से बनेगी, 1, 2, 3 टाइटल है उसमें भले फिर तीन ऑथर के साथ 3 और एडिटर है तो भी वो फर्स्ट ऑथर से ही एंट्री बनेगी। तो ये छोटी छोटी चीजें आप लिख दीजिए जिससे आप उस एग्जांपल को आइडेंटिफाई कर पाए और उसकी हेडिंग को डिटरमाइन कर पाए कि उसकी हेडिंग आप कैसे बनाएंगे। तो लास्ट टाइम पे आपको रूल्स तो सारे याद होंगे कि आपको डॉट कहाँ लगाना, डैश कहाँ लगाना, लेकिन आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम रहेगा। तो ये 1 या 2 या 3 पेजेस में आप लिख लेंगे ना तो आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो उस तरह से आपके लिए बहुत इजी रहेगा कि कौन कौन से तरह के एग्जांपल्स हैं, उनकी हेडिंग क्या बनेगी, उसमें कुछ स्पेशल चीजें जो आपको लिखने जैसी है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो फिर आपके लिए कोई परेशानी नहीं होगी, ओके सर, है ना, ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट, है ना। और कल फिर, कल है या नहीं, कल क्लास नहीं है, मंडे को है शायद सीधा, तो मंडे को इससे आगे हम देखेंगे और इसको सॉल्व कीजिए। इसके अलावा भी अगर आपको टाइम मिल रहा है ना तो आप पुराने पेपर्स को सॉल्व कीजिए, ठीक है। ये तो मेरे एग्जांपल है, आप सीधा एग्जांपल देख रहे हैं, लेकिन पुराने पेपर्स को सॉल्व करेंगे तो नई नई कठिनाइयां हो सकता है आपके सामने आए, तो उसको भी मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, यस सर। नितेश, रिकॉर्डिंग देना, तो मैं अपलोड कर दूंगा उसे, ओके नितेश, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट।